आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं बता रही हूँ बाथरूम में नहाते समय पुरुष ये गलतियाँ भूल कर भी ना करें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, और आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अक्सर पुरुष भाई नहाते समय बहुत सी गलतियाँ करते हैं जो कि न केवल उनके शुक्र ग्रह को ख़राब करती है बल्कि चंद्रमा को भी पीड़ित करती है, जिसकी वजह से वो गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार उनको अपने ही रिश्ते की कद्र नहीं रहती, बाहरी जीवन में भटकाव आ जाता है, ज़िंदगी में पत्नी के अतिरिक्त अन्य औरतें आ जाती हैं, जिससे कि उनका खुशमय संसार नष्ट हो जाता है और जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगती हैं। कई बार आवेश में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं, कई बार आवेश में आके कुछ गलत कृत्य कर लेते हैं, कई बार आवेश में आके गलत जगह सिग्नेचर करते हैं। इन सब का संबंध आपके बाथरूम से है, क्योंकि आपका जो बाथरूम होता है वो देखा जाए तो बेसिकली शुक्र और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बाथरूम अगर गंदा है, मैला कुचैला है, बाथरूम में कुछ गलतियाँ होती हैं, तो ये दोष महादोष में परिवर्तित हो जाता है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो मैं महिलाओं पर तो एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने महिलाओं को बताया है कि बाथरूम में क्या क्या काम उन्हें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और आज मैं बता रही हूँ पुरुषों को बाथरूम में भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए और क्या काम करने चाहिए, इस पर मैं विस्तार से बता रही हूँ। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो पुरुष जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो बहुत सी गलती ये देखी है कि वो टॉवल पहन कर बहुत देर तक घंटों घूमते रहते हैं। जी हाँ, कई घरों में तो घंटों घूमते रहते हैं और ये ही आपकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण होता है। जिस समय आप स्नान के लिए जा रहे हैं उससे 5-10 मिनट पहले अगर आप टॉवल लपेटते हैं तब तो जायज़ है बात, लेकिन टॉवल को लपेट कर ही आप टीवी देखने बैठ जाते हैं, आप अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। तो बाथरूम में जाने से 5-10 मिनट पूर्व ही आपको टॉवल लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि बाथरूम में जिस समय आप स्नान कर रहे होते हैं उस समय आपको किसी अन्य महिला या ऑफिस संबंधी चिंतन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आपको कोई चिंतन अगर करना ही है तो परमात्मा का चिंतन करिए उस समय पर, ना कि गलत चिंतन करिए। किसी पराई स्त्री के बारे में तो स्नान करते समय पुरुषों को भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको भी किसी स्त्री का चिंतन बाथरूम में स्नान के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शुक्र ग्रह खराब होता है। स्नान के पश्चात आपको अपने अंतर्वस्त्र, ऐसे ही नहीं है कि आपने स्नान किया और उनको साइड में रख दिया कि आपके घर में कपड़े धोने वाली कोई महिला आती है या पत्नी ही धोएगी, ये विचार ही अपने आप में काफ़ी गलत है। आपको अपने अंतर्वस्त्र स्वयं धोने चाहिए उस परिस्थिति में जब आपके जीवन में तरह तरह के आर्थिक संकट आ रहे हैं, नौकरी की परेशानी या बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो आपको अपने अंतर्वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। जब भी आप अपने बनियान को धोकर सुखाते हैं तो कभी भी उसको सादा पानी से धोकर नहीं सुखाना चाहिए। बनियान को और अपने अंडरगारमेंट हैं उनको हमेशा साबुन से धोने के बाद ही आपको उनको वॉश करना चाहिए। कुछ भाई बोलेंगे कि क्या ऐसा होता है? हाँ मेरे भाइयों, ऐसा भी होता है और कुछ लोग ऐसा गलती करते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने का दुस्साहस किया है, क्योंकि बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं और हमारे तक ये बात पहुँचाती हैं उनकी घर की स्त्रियाँ, जो कि अपने पतियों के इस एटीट्यूड से, अपने पतियों के इस व्यवहार से, अपने पतियों के इस रवैये से काफ़ी परेशान है, क्योंकि कई पुरुषों के बनियान में इतनी बदबू आती है कि उनकी स्त्रियाँ तक उनसे नफरत करती हैं। तो इसलिए आपको अब जो बनियान है उसमें जब भी कोई कालापन जमने लग जाए, मैल की परत जमने लग जाए, तो उसको हटा दीजिए, यूज़ में नहीं लीजिए उसको। बनियान जो है एकदम श्वेत कलर का चमचमाता हुआ होना चाहिए, जैसे ही वो डल पड़े तो उसको चेंज करके नया बनियान ले लेना चाहिए। तो स्नान में सबसे बड़ी चीज़ तो ये ध्यान रखें कि कभी भी सादा पानी से निकालकर अपने अंडरगारमेंट नहीं सुखाने चाहिए, उसको प्रॉपरली सही तरीके से धोना चाहिए साबुन या जो भी पाउडर है उसका प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग करके उसको पूरी तरह से साफ़ करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा संख्या में कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि आज भी नहीं धोए कल भी नहीं धोए, ये भी बहुत बड़े दोष को पनपाता है। तो बाथरूम में ये गलती भी आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। बाथरूम में स्नान के दौरान आपको अपने परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कामुक और अश्लील विचार भूल कर भी आपके मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। बाथरूम में जब आप इन विचारों को स्थान देते हो तो आपका शुक्र ग्रह तो बिल्कुल ही नष्ट हुआ समझो और उसका फिर कोई अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। जीवन में तरह तरह से आपको आर्थिक संकट आ सकते हैं, पत्नी से तनाव हो सकता है, घर गृहस्थी तक लूट सकती है आपकी। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को स्थान देवें, अपने कपड़े स्वयं धोकर सुखाएं और धोने के बाद ये नहीं कि उसको आपने नल पर टांग दिया या रख दिया, उसको स्वच्छ तरीके से आपको धूप में सुखाने चाहिए। तो बाथरूम में ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी अगर जो बाल्टियां हैं वो भी अगर गंदी हैं, टूट गई हैं, मैली कुचैली हैं, तो उसको आपको तुरंत बदल देना चाहिए। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है, जन्म कालिक भी, तो आपको सफ़ेद रंग की बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए और
उसको यूज़ में लेने के बाद पानी खाली करके बाल्टी और मग को उल्टा रख देना चाहिए। स्नान के पश्चात कई लोग पानी तक साफ़ नहीं करते हैं, घर में बाथरूम में बाल उनके टूटे हुए नालियों के आसपास पड़े रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा दोष है और शनि संबंधी दोष भी आपकी आपको लगता है अगर आप ये गलती करते हैं। तो इसलिए जो भी बाल आपके सिर से अगर आपने हेयर वॉश किया टूट कर गिरे हैं तो उन बालों को भी आप हटाएं, वाइपर से पूरा पानी स्वयं साफ़ करें या जो भी आपके परिवार का सदस्य है, स्नान के तुरंत बाद वाइपर से पूरा पानी साफ़ करना चाहिए। साबुन की जो सोप केस है उसको यथास्थान रखना चाहिए। टॉवल आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, टॉवल में भी अगर धब्बे वगैरह होते हैं, कटा फटा है, मैला कुचैला है, तो ये भी बहुत बड़ा दोष देता है। तो बाथरूम में आपको हर चीज़ व्यवस्थित रखनी चाहिए और स्नान के बाद सब कुछ अपनी पत्नी या घर के अन्य सदस्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान के बाद वाइपर से स्नान किया हुआ जल भी आपको साफ़ करना चाहिए। ये सारे छोटे छोटे दिखने वाले काम अगर आप करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक उन्नति होती है और जीवन में आप देखना कितना बड़ा बदलाव आएगा। शुरू शुरू में आपको हो सकता है ये काम श्रम साध्य लगे, आपको लगे कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको मैनेज करने लगेंगे और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट होने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। इसके अलावा बाथरूम में स्नान के दौरान जब आप कोई गाना गाते हैं तो भी आपका बुध ग्रह खराब होता है। जी हाँ, बुध ग्रह खराब होता है, आपको गाना गाना ही है, ठीक है। आप कहेंगे कि क्या गुनगुनाए ही नहीं, जी हाँ गुनगुनाइए गुनगुनाइए, लेकिन कोई भी भद्दा अश्लील शब्दहीन मीनिंगलेस गाना भूल कर भी बाथरूम में नहीं गाना चाहिए जो कि भद्दे और गंदे शब्दों के निर्माण से बना हो। आप स्नान के दौरान कोई भी भजन गा सकते हैं।